ये दोनों बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है और पहले नंबर वन की पार्टी बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है। अब सरकार नहीं बन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैंने पहले भी कहा था जब दारुस्सलाम में हमने यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, हमने वहाँ पर कहा था कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम बीजेपी लेट सरकार भी होगी तो उसकी तायद नहीं करेंगे और अगर शिवसेना लेट सरकार भी होगी तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे। और कल जब मीडिया के हमारे दोस्तों ने हमसे रابطہ किया, कॉन्टैक्ट किया और मुझसे सवाल किया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, आपका क्या स्टैंड है पार्टी का, तो मैंने उस वक्त कहा कि मैंने हमारी पार्टी पहले से ही स्टैंड ले चुकी है कि चाहे बीजेपी लेड हो या शिवसेना लेड हो हम उसकी तायद नहीं कर सकेंगे। और अच्छी बात है कि कल कांग्रेस एनसीपी मिलकर शिवसेना की तायद कर रहे हैं, तो ये जो मेरे सर पर ये जो ताज रखा गया था वोट काटने का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब आवाम को मालूम हो जाएगा कि वोट कौन काट रहा था, कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये हिंदुस्तान की जनता और महाराष्ट्र की जनता जान लेगी, मगर हम इस शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, अगर उनको मौका मिलता है हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मानना ये है कि शिवसेना और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है।